विपक्ष की करारी हार के बाद पटना साहिब से चुनाव हारने के बाद बोले शत्रुघ्न सिन्हा ये। बिहार पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार मिली है। शत्रुघ्न सिन्हा टक्कर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से थी। हार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कोई खेल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है देश के अंदर, जिसकी वजह से गठबंधन तक जैसा फेल हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर सपा और बसपा का बड़ा बोलबाला था, लेकिन उनकी करारी हार के देखने के बाद लगता है कि देश के अंदर कुछ बड़ा खेल हुआ है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर खेल हुआ है, लेकिन इन सब बातों के लिए ये सही वक्त नहीं है। इसी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव में जीत पर बधाई दी। उन्होंने शाह को बेहतरीन रणनीति में भी बताया कि उनके जैसा रणनीतिज्ञ कोई भी नहीं है देश के अंदर। शत्रुघ्न ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि इस चुनाव प्रचार में अपना समर्थन, सहयोग और तन मन धन सभी लोगों ने जो मुझे दिया है, मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से इस गर्म मौसम के अंदर भी आम लोगों ने जिस प्रकार चुनाव प्रचार में सहयोग किया है, वह सराहनीय है और अनुकरणीय है। साथ ही में अपने मित्र सुबोध कांत सहाय जी का भी अभिनंदन करता हूं, जो मेरे मार्ग पर मेरे साथ आए और अपना समर्थन व अनुभव साझा किया। आप सभी को अथक मेहनत को और मैं पूरा परिवार वंदन करता हूं। हम आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में थे और पीएम मोदी के खिलाफ उनका बगावती तेवर काफी चर्चा में रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा से बेवाक रहे हैं और वह कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को भी हार का सामना करना पड़ा और पूनम के सामने बीजेपी के बड़ा चेहरा गृह मंत्री राजनाथ सिंह खड़े थे, जिनको बताया जा रहा था कि इस वक्त जो सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को बता रहे थे कि यहाँ से इस सीट से हो सकता है घाटे का सौदा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।